गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स आज और कल दस मार्क्स हमें मिलने वाला है सी इंटरमीडिएट कॉस्टिंग पेपर का टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट थोड़ा थियरी हमने कवर किया पहले तीन लेक्चर में नाउ वी आर गोइंग टू कवर सजी प्रैक्टिकल पार्ट फर्स्ट प्रैक्टिकल पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड टॉपिक नेम इज मैंने कल डिस्कस किया था और हम लोग एक्सपेक्ट भी करते दस मार्क्स जो है हंड्रेड परसेंट आप स्कोर कर सकते हो टेन मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सो एवरी वन प्लीज गिव वेडिंग क्वेश्चन पहले टॉपिक का और भी कुछ थे बाकी है जैसे जैसे बाकी टॉपिक कवर होएगा वो थेरी भी कवर करेंगे तो सर सब लोग हेडिंग दीजिएगा कॉस्ट शीट सर जी जल्दी से आप मुझे बताइएगा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आज पूरा हंड्रेड परसेंट कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए ठीक है, है क्योंकि सर पहले एक दो क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करके दूंगा लेकिन अगले सारे क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे ऐसा नहीं होएगा कि मैं लिखते जा रहा हूं आप कॉपी करते जा रहे कॉपी पेस्ट नहीं होएगा। पहले दो तीन क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दूंगा अगले क्वेश्चन पहले आप ट्राई करेंगे उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा सर ठीक है इफ देर इज अ डाउट आप इमीजिएटली डाउट रेस करो ऐसे नहीं कि बाद में पूछेंगे या फिर लेक्चर के बाद अगर डाउट है तो आप इमीजिएटली पूछ सकते हो बिल्कुल तो सर जी सबसे पहला पार्ट हम लोग कवर करते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट सर बताइए एलिमेंट ऑफ कॉस्ट तीन एलिमेंट थे बताइए कौन सा कौन सा था एक था आपका मटेरियल सेकेंड वन था आपका लेबर दैट इज एम्प्लॉय और तीसरा था आपका एक्सपेंसेस सर मटेरियल का दो कैटेगरी बताइए कौन सा है डायरेक्ट मटेरियल है और इनडायरेक्ट मटेरियल है सर जी लेबर का दो कैटेगरी था आपका एक डायरेक्ट uh, लेबर uh, और इनडायरेक्ट लेबर ठीक है बॉस एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस का दो कैटेगरी बताइए आप एक था आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड दूसरा था आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ठीक है सर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पे जाता है एवरी वन ऑफ यू शुड आंसर टुडे आज इंपॉर्टेंट लेक्चर है सर क्यों इंपॉर्टेंट है दस मार्क्स का तो आपको क्वेश्चन आने ही वाला है प्लस इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड में कौन सा अकाउंटिंग का जो टॉपिक करने वाले है सर जी अकाउंटिंग वाले टॉपिक में भी आपको क्वेश्चनशीट प्रिपेयर करना पड़ता है तो यह क्वेश्चनशीट आपको दो टॉपिक में एप्लीकेबल है तो देर कैन बी अ क्वेश्चन अप टू ट्वेंटी मार्क्स तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हंड्रेड परसेंट अटेंशन चाहिए और फटाफट आंसर भी चाहिए मुझे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएगा सर जी प्राइम कॉस्ट इंडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएगा आपका इज इट ओवरहेड्स ओवरहेड की तीन कैटेगरी सर पहले कौन से फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर सबसे पहले क्या आएगा प्राइम कॉस्ट आएगा ध्यान से सुनना अभी सबसे पहले क्या आएगा प्राइम कॉस्ट फिर फैक्ट्री ओवरहेड क्या आएगा फैक्ट्री ओवरहेड फिर एडमिनिस्ट्रेशन आएगा फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा सीक्वेंस याद रखना पहले प्राइम कॉस्ट फिर फैक्ट्री ओवरहेड फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सर सीक्वेंस याद है चलो अब एग्जैक्टली exactly आपका जो शीट है वो फॉर्मेट देखते हैं आप हेडिंग दीजिएगा ओल्ड फॉर्मेट आप हेडिंग दीजिएगा ओल्ड फॉर्मेट यस yes, सर आपने हेडिंग दिया ओल्ड फॉर्मेट अब आगे आप नहीं लिखेंगे इमीजिएटली लेट मी कंप्लीट दिस इसके बाद आपको लिखना है पहले डिस्कशन करेंगे बाद में आप लिखेंगे यस yes, सर क्या लिखा पहला लाइन डायरेक्ट मटेरियल क्या वर्ड यूज क्या है कंज्यूमड कंजम्पशन क्या वर्ड यूज क्या है कंज्यूम कंजम्पशन चलो ठीक है देखते आगे क्या है इसके बाद है सर जी आपका कौन सी कौश सर डायरेक्ट एम्प्लॉय यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ठीक है अगली कॉस्ट कौन सी सर डायरेक्ट मुझे आपसे आंसर चाहिए डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर दैट इज डायरेक्ट एम्प्लॉई प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका आंसर क्या आएगा सर जी इज इट प्राइम कॉस्ट आएगा आपका आंसर ठीक है वापिस एक बार सर जी मटेरियल में इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने यूज किया है कंज्यूम्ड क्या वर्ड यूज किया है consumed. थोड़ा आप सोच के बताएंगे सर मटेरियल कंज्यूम के बारे में क्या सीन है थोड़ा आप फाउंडेशन का वगैरह याद कीजिएगा सर जी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वाज़ टेन थाउजेंड रुपीज दस हजार का ओपनिंग स्टॉक था सर फिर सर आपका परचेसेस हुआ एक लाख रुपए का परचेसेस हुआ सर ओपनिंग स्टॉक था आपका दस हजार आपने परचेसेस किया एक लाख और आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट है आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज है सॉरी नॉट यूनिट्स कितने रुपए का मटेरियल आपने कंज्यूम किया सर आराम से सर सोच समझ के आंसर देना आर यू श्योर तो सर जी आपका फॉर्मूला क्या है कंजम्पशन का कोई मुझे फॉर्मूला बताएगा जो आपने अप्लाई किया फॉर्मूला क्या था सर जी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कंजम्पशन क्या बोला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कंजम्पशन चलो ये फॉर्मेट है लॉजिक देखते सर सर कंजम्पशन क्यों लिया परचेसेस क्यों नहीं लिया कॉस्टशीट में है ना सर कॉस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमने कंजम्पशन क्यों लिया परचेसेस क्यों नहीं लिया सोच के आंसर देना डायरेक्टली एक लाख रुपए क्यों नहीं लिखा मैंने जो कंज्यूम किया वही ठीक है और अच्छा यूज नहीं हुए बराबर है सर क्यों फिर यूज तो कभी ना कभी होएगा ना सर जी कॉस्ट शीट कैसे बनाएंगे सर पीरियड वाइज कॉस्ट शीट रहता है पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं पीरियड वाइज रहता है ना तो कॉस्ट शीट भी कैसे रहेगा सर जी आपका पीरियड वाइज तो सर जी जो क्लोजिंग स्टॉक आपने यूज नहीं किया हुआ है उसकी कॉस्ट करंट ईयर में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए आई रिपीट जो स्टॉक जो मटेरियल आपने करंट ईयर में यूज नहीं किया है उसकी कॉस्ट आनी चाहिए करंट ईयर में या नहीं आनी चाहिए नहीं सर ऐसा भी तो हो सकता है वो मटेरियल आपने रिटर्न कर दिया अगले साल हो सकता है नहीं हो सकता है मटेरियल आपने परचेस किया था लेकिन अगले साल कुछ मटेरियल आपने रिटर्न कर दिया तो अगर आपने की फिगर ऊपर ले ली तो गलत हो गया आपका आंसर क्योंकि उतना मटेरियल तो आपने आपने यूज नहीं किया कुछ रिटर्न कर दिया इसलिए सर पहला पॉइंट क्या है डायरेक्ट मटीरियल परचेसेस आएगा या कंजम्पन आएगा कंजम्पन आएगा कंजम्पन में क्या क्या आएगा सर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कंजम्पन ठीक है नेक्स्ट वन सो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपने ऐड कर दिया और आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट में आगे मैं ऐड कर रहा हूं सर जी फैक्ट्री ओवर प्राइम कॉस्ट में मैं ऐड कर रहा हूं सर जी फैक्ट्री ओवर सीक्वेंस याद रखो पहले मटेरियल लेबर ओवर फिर फैक्ट्री फिर एडमिनिस्ट्रेशन फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है सर मैंने आपको फर्स्ट या सेकेंड डे पे कुछ होमवर्क बोला था होमवर्क ऐसा था कुछ एग्जाम्पल आपको बताने थे फैक्ट्री ओवर एग्जाम्पल ठीक है तो सर जी मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूं अगर आपके पास कोई और एग्जाम्पल रहेंगे तो आप बताएंगे हाथ ऊपर करके आंसर देना है फैक्ट्री रेंट करेक्ट इनकरेक्ट फैक्ट्री रेंट बराबर है इलेक्ट्रिसिटी हां या ना डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री अरे हां या ना अच्छा उसके बाद सर सिक्योरिटी एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री अच्छा ओके 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 सर इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी अरे हां या ना अच्छा इंश्योरेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी सर ऑयल ग्रीस पेट्रोल डीजल यूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी अरे हाया ना अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है सर जी स्टोर रूम रिलेटेड एक्सपेंसेस? अरे हाया ना स्टोर रूम में क्या रहेगा रॉ मटेरियल रहेगा अच्छा स्टोर रूम ऑब्जर्व कीजिए और बताइए स्टोर रूम में क्या क्या एक्सपेंसेस आएगा अरे स्टोर रूम सर स्टोर रूम जहां पे रॉ मटेरियल रखने वाले वहां पे खर्चे क्या क्या आएगा इलेक्ट्रिसिटी रेंट डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट वगैरह कुछ रहेगा वहां पे या फर्नीचर रहेगा ठीक है और क्या लगेगा सर जी वेयर हाउस कीपर का सैलरी वहां पे वर्कर है जो लोड कर रहे हैं अनलोड कर रहे हैं कैरी कर रहे हैं उनका वेजेस और सैलरी आएगा ओके okay. सर इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा अरे है ना तो सर जी स्टोर में अगर कुछ लॉस बाय थेफ्ट लॉस बाय फायर हो जाता है तो कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए इंश्योरेंस आए सर चलो ठीक है सर और uh, सर जी और क्या कॉस्ट लगेगा आपका अच्छा रिपेयर्स लगेगा मेंटेनेंस लगेगा ओके ठीक है सर कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा अरे कौन सा मटेरियल आ रहा है कौन सा जा रहा है किसने इश्यू किया कौन से डिपार्टमेंट में जा रहा है कितना रिटर्न कर दिया तो ये डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ेगा तो वहाँ पे कुछ अकाउंटिंग का भी एक्सपेंसेस लगेगा ठीक है कौन सा सर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में सिर्फ ऑफिस रिलेटेड आता है लेकिन अगर आपके फैक्ट्री में कुछ अकाउंटिंग होता है फैक्ट्री में अगर आपका स्टोर रूम में आपने अगर अकाउंटिंग किया हुआ है तो उसका एक्सपेंसेस फैक्ट्री में आएगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस भी आ सकता है क्या ना। अरे या ना आर एंड डी किधर होगा सर ऑफिस में होएगा सेल डिपार्टमेंट में होएगा या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओके सर जी टेस्टिंग का खर्चा टेस्टिंग का खर्चा मतलब क्या रॉ मटेरियल टेस्ट किया ठीक है प्रोडक्शन करते हो टेस्टिंग किया ये खर्चा भी किस में आएगा सर जी फैक्ट्री ओवर ठीक है अब आपके पास अगर कोई और एग्जाम्पल रहेंगे तो बताइएगा सर मुझे आंसर चाहिए सर हाथ ऊपर करके और कौन से कौन से एग्जाम्पल आएगा फैक्ट्री ओवर में आपने लिखे हुए हैं सर और कुछ एक्सपेंसिस बता दे आएगा फैक्ट्री ओवर में अच्छा सुपरवाइजर सैलरी फैक्ट्री मैनेजर सैलरी फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी सुप्रिटेंडेंट सैलरी फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी एक्सेट्रा बरबर है और आपने लिखे रहेंगे तो चेक करो सर और क्या क्या, -क्या एक्सपेंसिस आएगा फैक्ट्री में।, में अच्छा रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन चलो ठीक है डिस्क्लेमर है बाद में एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी टैक्सेस ओके ऑक्ट्रा है रॉ मेटेरियल परचेस किया था उसके रिलेटेड खर्चे है ठीक है मुझे फैक्ट्री के और खर्चे बताइएगा ना सर फैक्ट्री में और कोई खर्चा आएगा क्या अच्छा क्वालिटी चेकिंग किया बराबर से बन रहा है नहीं बन रहा है ठीक है स्टैंडर्ड के हिसाब से बन रहा है नहीं बन रहा याद आ रहा है क्या स्टैंडर्ड कल हमने देखा था सर स्टैंडर्ड वो हिसाब से बन रहा है नहीं बन रहा वो हमने चेक किया अच्छा कौन है ये वेरी गुड सर इक्विपमेंट सेटअप कॉस्ट सर लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले सर क्या होता है सेटिंग वगैरह हो रहा है ना एवरी फाइव मिनट्स आप देखते हो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहां पे कुछ सेटिंग वगैरह होता है तो वैसे ही मैन्युफैक्चर करते वक्त थोड़ा आपको मशीन वगैरह सेट करना पड़ेगा तो मशीन सेटअप का खर्चा वेरी गुड और फैक्ट्री शटडाउन अभी नहीं डिस्कस करेंगे और अच्छा वेस्टेज हुआ ओके नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस एक्सेट्रा ठीक है सर जी एबनॉर्मल लॉस का डिस्कशन याद आ रहा है अरे एबनॉर्मल लॉस कॉस्टिट में जाएगा या पी एंडल अकाउंट में जाएगा कॉस्टिंग पी एंड एल शीट में नहीं जाएगा ठीक है लेकिन हां जैसे इन्होंने बोला नॉर्मल लॉस यस कंसिडर करते हैं चलो ठीक है तो सर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस से आगे आपका प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दिया फैक्ट्री ओवर तो आ गया आपका ना सर ना ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट क्या है सर जी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ग्रॉस ठीक है इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी बाय वॉट इज दिस डब्ल्यू वर्किंग वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब अरे हा रे भाई डब्ल्यू का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस कंसेप्ट क्या है अच्छा प्रोडक्शन स्टार्ट किया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ जनरली ये थर्टी फर्स्ट मार्च को होएगा सर 31 फर्स्ट मार्च को प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ तो उसका स्टेटस क्या दिखेगा वर्क इन प्रोग्रेस तो वर्क इन प्रोग्रेस किधर रहेगा सर जी फैक्ट्री में ही रहेगा ना या और किधर जाएगा सर नहीं सर तो वो फैक्ट्री में रहेगा तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आईपी किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू लेस किया चलो ठीक है ये आ गया आपका क्या आ गया सर जी आपका नेट आ, अब तक बताइए क्या क्या किया है सर जी पहला लाइन क्या है मेरे पास देखो बोर्ड पे नहीं देखना है सर पहला क्या है सर जी डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल में परचेस आएगा कंजम्पशन आएगा सब लोग आंसर दो दस मार्क्स से सर बिलीव मी दस मार्क्स मिलेगा आपको दो लेक्चर में ही दस मार्क्स मिलने वाला है मिनिमम दस से बीस मार्क्स का भी आएगा तो बी अटेंटिव और सर मैं जिस टॉपिक में बोलूंगा सर वो टॉपिक जो फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक है उसमें हमें आउट ऑफ ही स्कोर करना है तो ये एक फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक है इसमें एक भी गलती चाहिए नहीं मुझे सो so दैट अगर आपका एम है एटी नाइनटी क्रॉस करना आउट ऑफ मार्क्स लाना तो सर आपको जो फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए चलो तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट अरे दूसरा लाइन क्या है डायरेक्ट एम्प्लॉय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट उसके बाद तीसरा लाइन क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या आएगा प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवर अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद क्या आएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में सर ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आईपी यह आएगा आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट और नेट वर्क कॉस्ट एक और नाम है इसका नेट फैक्ट्री कॉस्ट और नेटवर्क्स कॉस्ट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन सर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है मैंने क्या लिखा है सर जी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सर जी सारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हेड नहीं फिर कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू द प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन को सुपरविजन का चार्जेस है ठीक है वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवर यहां पर कवर होगा ठीक है ये आएगा आपका कॉस्ट ऑफ सर कल का लेक्चर आपको याद करना है सर एवरी वन कॉन्सलट्रेट हियर प्रोडक्ट कॉस्ट पीरियड कॉस्ट कुछ याद आ रहा है हाँ प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है वेरी गुड क्या है प्रोडक्शन तक जो कॉस्ट लगा है वो प्रोडक्ट कॉस्ट है और प्रोडक्शन के बाद जो कॉस्ट लगा है वो पीरियड कॉस्ट है तो यहां पे क्या आया है अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अच्छा सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सर क्या क्या Material आया देखो ऊपर मटेरियल आया लेबर आया एक्सपेंसेस आया फैक्ट्री ओवर आया और एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा आया सारे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आया फिर कौन सा है सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवर जो प्रोडक्शन के रिलेटेड सर हमें टेंशन नहीं लेना एग्जाम में एग्जाम में स्पेसिफिकली बोला जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ओवर रिलेटेड टू द सेल या एडमिनिस्ट्रेशन ओवर जनरल तो हमें यहां पे ध्यान देन क्या देना है सर सारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पे या प्रोडक्शन के रिलेटेड <laughs> और वापिस बोलता हूं ये एग्जाम में दिया जाता है हम लोग डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते कि ये प्रोडक्शन रिलेटेड है या सेल रिलेटेड या जनरल है क्वेश्चन में बोला जाएगा दीज आर द प्रोडक्शन रिलेटेड ओवरहेड ओके तो ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठीक है बॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या एड किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस किया सर जी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो गुड्स कंप्लीट किए लेकिन बेचा नहीं है तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपने लेस किया सर ये अगला नाम बहुत इंपॉर्टेंट है सी ओ जी एस क्या बात है आपको कैसे पता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यस सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सर सी जी एस आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका आ रहा है ठीक है सर जी कौन से एक्सपेंसेस बाकी है अरे ऑब्जर्व करो सर हमने ऑलमोस्ट कॉस्ट शीट कंप्लीट कर दिया है एंड स्टेप पे हम लोग ठीक है मटेरियल आ गया लेबर आ गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए फैक्ट्री ओवरहेड आ गए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आ गए बचा क्या सर जी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ओके तो सर सीओ जी एस में मैं ऐड करूंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एड सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन के रिलेटेड नहीं रहता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोडक्शन का कोई संबंध नहीं है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेचने का खर्चा है सर आपका ये तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड किया ये है मेरा सी एस क्या है सर जी सीओ एस सी फॉर कॉस्ट ऑफ सेल ठीक है मैं एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं देखते कितना लोग आंसर कर पाते हैं मेरा आपसे बेसिक क्वेश्चन यह है सुनना क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट के बाद मैंने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड किया ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट के बाद मैंने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड किया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन उसके ऊपर क्यों नहीं लिया यस yes, मैम अच्छा जो गुड सेल करने ही नहीं है उसके लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस नहीं लगेगा मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं बराबर है आपका आंसर सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस किस पे लगेगा प्रोडक्शन वाले यूनिट पे लगेगा या सेल्स वाले यूनिट पे लगेगा एग्जाम्पल दू एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल इज सेल्स कमीशन एग्जाम्पल क्या है सेल्स कमीशन सेल्स कमीशन किस पे लगेगा प्रोडक्शन वाले यूनिट पे या सेल वाले यूनिट पे आर यू श्योर सर जो बेचेंगे उस पर ही लगेगा सर जी जैसे बोल रहे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपके फैक्ट्री से वेयर हाउस तक या आपके फैक्ट्री से कस्टमर तक का खर्चा किसके लिए लगेगा क्लोजिंग स्टॉक वाले को लगेगा या जो बेचा उसके लिए लगेगा जो बेचा उसके लिए ही लगेगा आर यू श्योर तो सर जी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कब ऐड करने का ओपनिंग एंड क्लोजिंग के एडजस्टमेंट के बाद ठीक है यह आ गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स एड प्रॉफिट क्या सर? आएगा सर एड प्रॉफिट और फाइनली आपका आंसर आएगा सेल्स सर ये आपका ओल्ड फॉर्मेट है कॉस्शीट का और टेंशन मत लो सर नए फॉर्मेट में और ओल्ड फॉर्मेट में बस एक लाइन में डिफरेंस है एक जगह पे डिफरेंस है सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन में चार और आइटम ऐड किए है एक लेस किया और चार एक्स्ट्रा आइटम है उसमें बाकी पूरा फॉर्मेट सेम है पूरा कुछ भी चेंज नहीं है बस ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरेड रिलेटेड टू द प्रोडक्शन है इसमें थोड़ा बहुत एडिशन और डिडक्शन है बाकी फॉर्मेट वही है वो आगे देखेंगे अभी ओल्ड फॉर्मेट कर रहे हैं हम लोग मुझे आपसे आंसर चाहिए सर थोड़ा थोड़ा जितना आपको रिकॉल हो रहा है स्टार्ट कहां से किया डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम अच्छा कंजम्प्शन कैसे आता है एवरी वन ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कंजन चलो ठीक है सर इसके बाद सर जी कंजम्शन के बाद क्या आया डायरेक्ट लेबर एम्प्लॉय कॉस्ट इसके बाद क्या आया डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या बना आपका प्राइम कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड किया फैक्ट्री ओवर एड किया प्राइम कॉस्ट में ठीक है तो क्या मिला आपको नेट फैक्ट्री कॉस्ट या ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिला चलो ठीक है सर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में फिर आगे क्या किया सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ ऐड किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू लेस किया नेट फैक्ट्री कॉस्ट आया अगर आपका ध्यान रहेगा इसको मैंने एक और नाम बताया था इसका एक और नाम क्या है नेट फैक्ट्री कॉस्ट का एक और नाम है वर्क्स कॉस्ट क्या है वर्क्स कॉस्ट चलो ठीक है सर नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या करेंगे सर ऐड करेंगे सारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवर ऐड करेंगे क्या नहीं। अरे सारे ऐड करेंगे क्या नहीं फिर कौन से रिलेटेड टू द प्रोडक्शन जनरल नहीं सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाले एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे नहीं ओके okay. सर फिर क्या है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या किया जी जरूरी नहीं ना जो प्रोडक्शन किया वही बेचा तो प्रोडक्शन के कॉस्ट में ऐड किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ये क्या आया सर सी ओ जी एस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो बेचा उसकी कॉस्ट नाम क्या है सीओजीएस मतलब क्या है सर जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो गुड्स आपने एक्चुअल में बेचा उसकी कॉस्ट है इसलिए सीओजीएस बोला उसको ठीक है Uh, उसके बाद सर ऐड किया क्या है? एक ही बचा है सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड किया आगे आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स एड प्रॉफिट या लेस लॉस एड प्रॉफिट या लेस लॉस लॉस भी तो हो सकता है ना सर तो प्रॉफिट ऐड करते तो लॉस लेस करेंगे और आपका क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आएगा ठीक है पहले तो ये सिर्फ फॉर्मेट लिखो बहुत डिस्कशन है इस पर बहुत सारे इंट्रिकेट पॉइंट्स है वन बाय वन डिस्कस करेंगे कॉस्चीट ओल्ड फॉर्मेट प्लीज राइट डाउन yes sir direct material consumed direct employee cost direct expenses prime cost add factory overheads सर आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एक लाइन ऐड किया सर चेक करो आपको डिस्टर्ब कर रहा है आई एम सॉरी फॉर दैट लेकिन सर एक लाइन ऐड किया सर क्या लिखा है देखो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कौन से सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एक तो जनरल और रिलेटेड टू द सेल्स वो कहां पे आएगा सर नीचे आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड होएगा वो तो लिखो सर प्रोडक्शन रिलेटेड ऊपर आएगा सेल्स के रिलेटेड नीचे आएगा फिलहाल आप फॉर्मेट लिख लीजिएगा सर डिस्कशन बहुत है अभी जस्ट अ फॉर्मेट चलिए सर इफ कंप्लीटेड नहीं हुआ जल्दी करो सर आज बहुत मज़ा आने वाला है देखते कितना लोग क्वेश्चन के क्वेश्चंस बराबर से सॉल्व करते हैं गोइंग टू चेक टुडे फ्रेंड्स जल्दी कंप्लीट करो जिनका बाकी है चलिए सर आगे लिखिएगा क्वेश्चीट में जहां जहां गलती हो सकती है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग से लिख रहा हो क्वेश्चनशीट में जहां जहां पे गलती होती है स्टूडेंट लोगों की पहले ही वो इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग से लिख रहा है कंटिन्यूअसली रिवाइज करेंगे ये पॉइंट आप लिखो वर्किंग नोट नंबर वन या इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर वन सर मटेरियल कंज्यूम्ड मटेरियल कंज्यूम्ड मटेरियल कंज्यूम्ड सर आपको पता है आप बताइए क्या लिखूं सर मटेरियल कंज्यूम कैसे आया था सर जी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल Opening stock of raw material add purchases minus closing stock. सर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम सर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट डाउन सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोडक्शन क्वांटिटी अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रोडक्शन क्वांटिटी प्रोडक्शन क्वांटिटी चलिए सर या ध्यान दीजिए अभी प्रोडक्शन क्वांटिटी सर जी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स था दस हजार यूनिट्स आपने सेल किया एक लाख यूनिट आपके क्लोजिंग स्टॉक में है ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स तो जल्दी से ये बताइए आपने प्रोडक्शन कितना किया सर सब लोग ट्राई कीजिए सर सब लोग ट्राई कीजिए क्या क्या लिखा है सर मैंने वहां पे ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है दस हजार ठीक है सेल कितना किया एक लाख क्लोजिंग में कितना यूनिट है बीस हजार तो मैंने प्रोडक्शन कितना किया सर कुछ याद आ रहा है फाउंडेशन में वगैरह ऐसे प्रोडक्शन का क्वांटिटी हमने वर्कआउट किया था कितना आया क्वांटिटी सर प्रोडक्शन का कुछ लोग नाइनटी थाउजेंड बोले कुछ लोग एक लाख दस हजार बोल रहे हैं ऐसा कैसे सर दो दो क्वांटिटी नाइन्टी थाउजेंड आया नहीं अच्छा सर फॉर्मेट बताइए प्रोडक्शन कैसे आएगा सर जी प्रोडक्शन आएगा ध्यान से देखना सेल्स क्वांटिटी क्या लिखा है सेल्स क्वांटिटी एड सर सेल्स क्वांटिटी एड क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक यस सर चेक करो क्या लिखा है फॉर्मूला जल्दी चेक करो सर क्या लिखा है फॉर्मूला सेल्स क्वांटिटी एड क्लोजिंग स्टॉक माइनस अरे रे, रुको ना घाई मत करो सर डिस्कशन तो होने दो तो पूरा क्लोजिंग स्टॉक एड सॉरी सेल्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक सर कितना क्वांटिटी बेचा है एक लाख क्वांटिटी बेच दिया चलो ठीक है सर इसके बाद सर जी क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स है ट्वेंटी थाउजेंड माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना है सर आपका दस हजार तो कितना क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस किया सर वन लैक टेन थाउजेंड नाउ प्लीज राइट डाउन प्रोडक्शन क्वांटिटी इज इक्वल टू सेल्स क्वांटिटी कुछ बेचा बेचने के बाद भी कुछ बचा सर, सर सर सेंटेंस देखो ना क्या जबरदस्त सेंटेंस कुछ बेचा बेचने के बाद भी कुछ बचा तो सर जी सपोज मैंने एक लाख बेच दिया उसके बाद भी बीस हजार बचा है मेरा तो टोटल मेरे पास एक लाख बीस हजार होने चाहिए थे उसमें से ऑलरेडी पिछले साल कितना बना के रखा था मैंने दस हजार तो करंट ईयर में कितना मैन्युफैक्चर किया वन लैक्स टेन थाउजेंड ठीक है सर आ, मुझे सेल्स का क्वांटिटी बताइए ना सर अगर आपको सेल्स फाइंड करना है तो सर चेंज करो ना ये थोड़ा फॉर्मूला चेंज करो सेल्स क्वांटिटी कभी कभी सेल्स क्वांटिटी फाइन करने के लिए आता है सेल्स क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या लिखू सर प्रोडक्शन क्वांटिटी माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेल्स क्वांटिटी याद रहेगा तो ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए सर अपने को चलिए सर जी कोशिट का सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करता है इधर संभालना है सर हमें एवरी प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर तीसरा पॉइंट है सर yes, क्या कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स सर जी आपने जो मटेरियल कंज्यूम किया था वो दस हजार का था एम्प्लॉय कॉस्ट है दस हजार रुपए का डायरेक्ट एक्सपेंसेस आया दस हजार का कितना प्राइम कॉस्ट आया अरे सब लोग आंसर दो थर्टी थाउजेंड का प्राइम कॉस्ट आया फैक्ट्री ओवर है दस हजार रुपए का तो सर जी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना है जी आया ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आईपी कुछ भी नहीं था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी कुछ भी नहीं था तो ऑब्वियसली नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऊपर वाला ही फिगर नीचे आएगा सर चालीस हजार सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवर एड रिलेटेड टू द प्रोडक्शन थे दस हजार तो सर जी प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आई एनी वन गॉट द आंसर इज इट फिफ्टी थाउजेंड आया सर जी ओपनिंग स्टॉक नहीं है ओपनिंग स्टॉक नहीं है सब लोग आंसर देंगे अभी ट्राई करो सर जी कंपनी ने प्रोडक्शन किया दस हजार यूनिट कंपनी ने सेल किया आठ हजार यूनिट ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं था तो जल्दी से बताइए क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी कितनी आई सर क्वांटिटी चाहिए मुझे अरे दस हजार प्रोड्यूस किया आठ हजार बेचा तो मेरे पास बचे कितने सर दो हजार अब मेरा क्वेश्चन क्या है सर जी क्या लिखा है आपने वो तीसरा पॉइंट क्या लिखा है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स सर कितनी क्वांटिटी बची आपके हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक में दो हजार क्वांटिटी बची चलो आप ट्राई करो ये दो हजार क्वांटिटी का कितना कॉस्ट आएगा अब आप सोच के आंसर देना सर आई नो आपको पता नहीं है लेकिन आप ट्राई करो सर जो 2000 का क्लोजिंग स्टॉक है इसकी मैं वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूं मेरे पास पूरा कॉस्ट का डेटा दिया हुआ है करो ट्राई करो गलत हुआ तो भी चलेगा लेकिन ट्राई कीजिएगा सर टोटल कॉस्ट अपॉन टेन थाउजेंड सर जी टोटल कॉस्ट कौन सा लू प्रोडक्शन का कॉस्ट लू या फिर प्राइम कॉस्ट लू ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट लू नेट फैक्ट्री कॉस्ट लू क्या लू सर अच्छा प्रोडक्शन का कॉस्ट लू ओके सर जी प्रोडक्शन का कॉस्ट ठीक है सर आगे क्या लिखू सर अपार, अपार, हाँ अपॉन डिवाइडेड बाय क्या लिखू सर अच्छा सर जी प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी सर आपको अभी बहुत इजी लगता है ये लेकिन सर 99% परसेंट स्टूडेंट इधर गलती करता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू फाइंड करने में तो सर जी फॉर्मूला इज वेरी सिंपल जैसे इन्होंने बताया प्रोडक्शन का कॉस्ट ध्यान से सुनना प्रोडक्शन का कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन की क्वांटिटी प्रोडक्शन का कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी क्योंकि सर आपको जो पचास हजार का कॉस्ट लगा है वो पचास हजार का कॉस्ट किस पे लगा है सर अरे एक हजार पे लगा दो हजार पे दस हजार पे बारह हजार पे कितने पे लगाए सर प्रोडक्शन का कॉस्ट प्रोडक्शन के यूनिट पे लगाए और आपके प्रोडक्शन के यूनिट कितने सर इज इट दस हजार है उसमें से ही तो क्लोजिंग स्टॉक है सर कितना है क्लोजिंग स्टॉक तो मालिक मालिक आंसर दो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आई इज इट टेन थाउजेंड आई एड करूंगा या लेस करूंगा लेस तो क्या फॉर्मूला है सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करनी है प्रोडक्शन का कॉस्ट अपॉन प्रोडक्शन की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे गलती करते स्टूडेंट लोग लिखो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू प्रोडक्शन का कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी प्रोडक्शन का कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट रेड पेन से लिखेंगे आप लोग रेड पेन अलग पेन से लिखना आगे लिखिएगा सर अगला पॉइंट रेड पेन से लिखो सब लोग we will calculate production cost we will calculate production cost on the basis of we will calculate production cost on the basis of production quantity we will calculate production cost on the basis of production quantity नेक्स्ट लाइन वही पेन से रेड पेन से लिखिएगा बट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर एप्लीकेबल टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर एप्लीकेबल टू आर एप्लीकेबल टू सर जी मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं आपको प्रोडक्शन क्वांटिटी सेल्स क्वांटिटी अरे आंसर क्यों नहीं आया सर जी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल टू प्रोडक्शन क्वांटिटी या सेल्स क्वांटिटी सेल्स क्वांटिटी ठीक है एप्लीकेबल टू सेल्स क्वांटिटी ठीक है सर इतना मैंने ब्रीफ डिस्कशन किया हुआ है मुझे आपसे देखना है कितना स्टूडेंट सॉल्व कर पाते हैं अभी तक तो मैंने कुछ एक्सप्लेन भी नहीं किया बस ये फॉर्मेट दिया है कुछ एडजस्टमेंट आपको बताया हुआ है अब देखते हैं आप खुद से कितना दिमाग लगा सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एवरी प्लीज कम टू एवरीवन प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर वन ऑफ शीट एर प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर वन यस सर क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्ची ध्यान से सुनना सर आपको ट्राई करना है उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा सर फॉर्मेट आपको बताया देखते कितना लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने खुद का दिमाग पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट फोर्टी फाइव थाउजेंड है डायरेक्ट लेबर थर्टी थ्री पॉइंट थर्टी थ्री परसेंट ऑफ डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट है सर नहीं समझा डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी है अरे डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी है थर्टी थ्री पॉइंट थर्टी थ्री परसेंट ऑफ वॉट मटीरियल कॉस्ट मटीरियल कॉस्ट कितना है तो लेबर कॉस्ट कितना आएगा सर पंद्रह हजार ओके डायरेक्ट एक्सपेंसिस कितना है ट्वेंटी परसेंट अरे ट्वेंटी परसेंट किसका डायरेक्ट मटीरियल एंड डायरेक्ट लेबर अच्छा डायरेक्ट मटीरियल कितना आया था फोर्टी फाइव थाउजेंड डायरेक्ट लेबर कितना बताया आपने मुझे पंद्रह हजार तो उसका देख लेना आप बीस का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ठीक है सर ठीक है ठीक है, ठीक है आपको सॉल्व करना है सर फैक्ट्री ओवरहेड कितना है वन बाय नाइन्थ ऑफ प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट आता कैसे है सर सब लोग प्राइम कॉस्ट आता कैसे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट उसके वन बाय नाइन्थ फैक्ट्री ओवरहेड है मुझे अभी आंसर नहीं चाहिए बाद में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पच्चीस टक्का ऑफ सर जी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओर पच्चीस टक्का ऑफ वर्क पेज फटने तक अंडरलाइन करो वर्क पेज फटने तक अंडरलाइन करो वर्क कॉस्ट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओर पच्चीस टक्का ऑफ वर्क कॉस्ट सर जी एक सेकंड सर जी सर जी ये वर्क्स कॉस्ट को मैंने किधर बोला था किधर तो भी आया था सर जी ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट को एक और नाम है इज इट वर्क है अरे ना अब आपको डिसाइड करना है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्रोडक्शन रिलेटेड है या सेल्स रिलेटेड है आपको डिसाइड करना है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज इट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन और इज इट रिलेटेड विद द सेल जल्दी बताइए सर बरोबर है कैसे किया आपने प्रोडक्शन कैसे सूचा आपको किस पे डिपेंडेंट है वर्क्स कॉस्ट वर्क्स कॉस्ट यानी सर जी ऊपर वाला कॉस्ट है, है ना ठीक है तो ये हिंट है प्रोडक्शन के रिलेटेड है, है तो ऊपर आएगा शाबाश आपने एकदम बराबर से आइडेंटिफाई किया सेलिंग ओवर कितना परसेंट है अरे सेलिंग ओवर कितना परसेंट है टेन परसेंट टेन परसेंट किसका सीओ जी एस ओके यूनिट्स प्रोड्यूस कितना है हंड्रेड यूनिट्स रिमेन अनसोल्ड कितना बेचना बाकी रह गया सर टेन yes. परसेंट yes. बेचना बाकी रह गया लेकिन दस तक का किसका प्रोडक्शन yes. का प्रोडक्शन कितना है हंड्रेड हंड्रेड का दस का कितना आएगा सर टेन यूनिट्स ठीक है प्रॉफिट वन सिक्स ऑफ सेल ठीक है एक मिनट ध्यान दो यहां पे आई नो आई नो आई नो आई नो आई नो ये आपको सबको आता है ठीक है फिर भी मैं बता देता हूं सर स्टार्टिंग में पूरा बेसिक क्लियर करवा के दूंगा मुझे बताइए आपको बोर होएगा आपको सबको आता ही है, ठीक है लेकिन सर इसमें गलती नहीं होनी चाहिए इसलिए थोड़ा सा पहले ही बता देता हूं प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स आई नो आपको आता है सर ये बोर होएगा आपको लेकिन सर फिर भी बता दो मुझे आज सर प्रॉफिट अगर सेल्स का 50 परसेंट है यानी सर वन हाफ ऑफ सेल्स है तो सर जी कॉस्ट का 100 परसेंट आना चाहिए ठीक है सर सेकंड, अगर आपका प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स सर जी वन थर्ड है यानी 33.33 परसेंट है तो सर जी कॉस्ट पे 50 परसेंट आएगा दैट इज वन हाफ अरे हाय ना तीसरा सर जी अगर आपका प्रॉफिट वन फोर्थ ऑन सेल से पच्चीस ऑन सेल से तो कॉस्ट पे वन थर्ड आएगा कुछ लोग बीस टक्का बोल रहे देखो थर्टी थ्री पॉइंट थर्टी थ्री परसेंट आएगा फोर्थ वन अगर आपका प्रॉफिट सेल्स का वन फिफ्थ है यानी ट्वेंटी परसेंट ऑन सेल्स से, है तो सर जी कॉस्ट पे वन फोर्थ आएगा yes, पच्चीस टक्का सर अगर आपका प्रॉफिट लास्ट ले रहा हूं सर अगर आपका प्रॉफिट वन बाय सिक्स ऑफ सेल्स है दैट इज सिक्सटीन पॉइंट सिक्सटी सेवन परसेंट है तो वन बाय फाइव ऑफ कॉस्ट आएगा दैट इज ट्वेंटी परसेंट सर बराबर ना अब ये क्वेश्चन में क्या दिया है सर ये क्वेश्चन में क्या सीन क्या है सर जी वन बाय सिक्स ऑन सेल्स तो सेल्स का वन सिक्स है तो कॉस्ट का कितना आएगा सर वन बाय फाइव आएगा ठीक है ओके okay. तो आपको क्वेश्चीट प्रिपेयर करना है ठीक है रफ में पहले आप प्रिपेयर कीजिएगा या फिर जो पर्टिकुलर्स के आइटम है वो पेन से लिखिएगा अमाउंट पेंसिल से लिखिएगा मैं आपको पांच मिनट देता हूं उसके बाद चेक करेंगे मैं अभी कुछ नहीं डिस्कस करता हूं मुझे ये देखना है बिना एक्सप्लेनेशन के आप खुद से कितना कर पाते हो मुझे आपसे कॉपी पेस्ट नहीं करवाना है बाकी लोगों जैसा खुद का डेवलप होना चाहिए आपका अभी मैं कुछ भी आंसर नहीं दूंगा सर जी अब आप पूरा ट्राई कीजिए उसके बाद डिस्कस करते देखते कितने लोग करेक्ट कर पाते सिर्फ एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे पर्टिकुलर जो है वो पेन से लिखेगा और अमाउंट अगर आप डाउटफुल हो तो वो पेंसिल से लिखेंगे आप अमाउंट नया बनाना उधर क्यों लिखा है सर अभी वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया है तो क्या करेंगे सर जीरो या लिखेंगे ही नहीं सर लिखने की जरूरत नहीं ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू नहीं दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू नहीं दिया हुआ है ना। वो नहीं नहीं आपने हाँ, अगर कुछ बोला नहीं, तो मटेरियल में अगर कुछ बोला नहीं तो obviously वो कंजम्पशन का फिगर रहेगा अदरवाइज ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक देंगे आपको वो We have got one answer. ओकेज Okay, okay. काफी लोगों का आंसर आ गया वेरी गुड काफी लोगों ने बराबर भी किया हुआ है अगर आप श्योर नहीं हो पेंसिल से लिखिएगा कोई टेंशन नहीं है मुझे बस देखना है आप खुद से कितना कर सकते हो नहीं, है अरे बोला था ना नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑब्लिक वर्क्स कॉस्ट सर आप आपके वो जो कॉस्ट शीट है उसमें बराबर से लिख लेना सर जो ओरिजिनल कॉस्ट शीट आपने फॉर्मेट लिखा है नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑब्लिक वर्क्स कॉस्ट नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑब्लिक वर्क कॉस्ट अगर लिखा नहीं रहेगा तो लिख लेना सर और बिल्कुल अगर नहीं आता है तो टेंशन मत लो मैं बस चेक कर रहा हूं कि आपको कितना यानी खुद से कितना कर सकते हो तो नहीं आया तो टेंशन मत लो मैं हूं मैं करने वाला हूं सॉल्व। दिमाग आप खुद का लगाइएगा क्योंकि जहां जहां पे आप अटकेंगे वाह समझेगा हमें यहां पे दिक्कत है कुछ डाउट है पूछ सकते हैं चलिए लास्ट वन मिनट लास्ट वन मिनट लास्ट वन मिनट कुछ लोगों का आंसर आ गया है सर आंसर किसी ने तो भी हाँ आपका आंसर आ गया मुझे प्रॉफिट बताइए सर प्रॉफिट कितना आया मुझे प्रॉफिट की फिगर चाहिए नाइनटीन थाउजेंड अच्छा एक आंसर आया नाइनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड एनी अदर आंसर यस सर नाइनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड एनी अदर आंसर एटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एटी गलत हुआ तो भी चलेगा आंसर दीजिएगा सर नाइनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड ओकेज और ट्राई करो इनटीन एट हंड्रेड नाइनटीन एट हंड्रेड एंड टाइम अप टेंशन मत लो जिधर जिधर डाउट है वो क्लियर होता है क्या देखो अभी जहां जहां पे आपको नहीं आया ठीक है वो क्लियर होता है क्या देखते हैं अभी नाउ एवरी वन प्लीज कॉन्सेंट्रेट लिखना नहीं सर लिखने बाद में आप लिख लेना अभी एवरी प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर नाउ सर सबसे पहले क्या लिखो सर फटाफट आंसर देना सर शीट स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले क्या लिखू सर इज इट डायरेक्ट मटेरियल कितना लिखू सर डायरेक्ट मटेरियल इज इट गिवन इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था फोर्टी फाइव थाउजेंड चलो सर इसके बाद आपने लिखा रहेगा डायरेक्ट लेबर सर डायरेक्ट लेबर कितना था क्वेश्चन में चेक करो सर डायरेक्ट लेबर यस सर थर्टी थ्री पॉइंट थर्टी थ्री परसेंट ऑफ मटीरियल ठीक है शो द वर्किंग फोर्टी फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई थर्टी थ्री पॉइंट थर्टी थ्री परसेंट सर आपका आंसर कितना है फटाफट आंसर देना पंद्रह हजार आया सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया या नहीं दिया लिखो मत लिखो मत लिखो मत आप पहले ध्यान दो सर ठीक है लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है समझना इंपॉर्टेंट है सर जी डायरेक्ट लेबर के बाद अगला आइटम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में क्या बोला है सर कितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्वेंटी परसेंट सर समझा नहीं ट्वेंटी परसेंट ऑफ व्हाट अरे ट्वेंटी परसेंट ऑफ व्हाट डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर ओके 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 सो ट्वेंटी परसेंट इंटू फोर्टी फाइव थाउजेंड प्लस फिफ्टीन थाउजेंड सर आर यू एग्री विथ दिस अरे बराबर कर रहा हो या नहीं ओके इज ओके इज कितना आंसर आया इज इट ट्वेल्व थाउजेंड आंसर आया ठीक है सर ये आ गया आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस आगे बताइएगा सर ये आ गया आपका प्राइम कॉस्ट सेवेंटी टू थाउजेंड सर यहां तक हंड्रेड परसेंट स्टूडेंट ने करना ही चाहिए था सेवेंटी टू थाउजेंड तक आना ही चाहिए था कुछ नहीं था मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओके सर इसमें ऐड करता हूं फैक्ट्री ओवर बाय द वे फैक्ट्री ओवर का रेट क्या दिया हुआ by है वन बाय नाइन ऑफ प्राइम कॉस्ट चलो ठीक है वन बाय नाइन ऑफ प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट आया आपका सेवेंटी टू थाउजेंड तो सर जी सेवेंटी टू थाउजेंड का वन नाइन आठ हजार आया ना सर इसको मैं क्या लिखू अरे इसको क्या लिखू ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट लिखू या डायरेक्टली नेट फैक्ट्री कॉस्ट लिखा तो भी चलेगा चलेगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑब्लिक वर्क्स कॉस्ट बरोबर है सर सर क्यों ऐसे डायरेक्ट लिखा ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी दिया नहीं था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूपी दिया नहीं था ऊपर का नीचे कॉपी पेस्ट हो गया सर जी आपका आंसर आ गया एटी थाउजेंड नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या ऐड करेंगे सर ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवर के बारे में क्या दिया हुआ है कितना परसेंट है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ वर्क वहां पे लिखो वर्क कॉस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ वर्क कॉस्ट हिंट है ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन आपके क्वेश्चन बुकलेट में लिखो 25% ऑफ वर्क्स कॉस्ट बोला यानी इट इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन वर्क्स बोला यानी प्रोडक्शन रिलेटेड है ट्वेंटी फाइव परसेंट मल्टीप्लाइड बाई एटी तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑब्लिक वर्क्स कॉस्ट आया हाँ सर अमाउंट कितना है सर जी इसका इजिट ट्वेंटी थाउजेंड आया सर क्या लिख हुई है क्या आया है सर अरे ये क्या आया सर जी कॉस्ट ऑफ ठीक है सर जी कितना है आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इट एक लाख आया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया था क्या क्वेश्चन चेक करो सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया है क्या किधर नहीं।, नहीं लेकिन क्लोजिंग स्टॉक है सर कितना है दस टक्का यानी कितना दस यूनिट है तो सर जी लेस किया मैंने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दो मिनट वर्किंग नोट नंबर टू या थ्री थ्री लिखवा के दिया था क्या है वो थ्री थर्ड वर्किंग नोट क्या है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आती कैसी सर प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है इज इट एक लाख डिवाइडेड बाय इसको किससे डिवाइड करूं सर प्रोडक्शन की क्वांटिटी कितना है प्रोडक्शन की क्वांटिटी हंड्रेड अरे उसमें से कितना क्लोजिंग स्टॉक है दस प्रोडक्शन की कॉस्ट अपॉन प्रोडक्शन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी दस टक्का दिया है क्लोजिंग स्टॉक सौ का 10 तका दस टक्का दस आता है सर कितना दस हजार आया ऐड करू या लेस करू लेस सर क्या आएगा क्या ये इसको क्या बोलेंगे सी ओ जी एस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इन नाइनटी थाउजेंड आया yes. इसमें ऐड करेंगे सर सेलिंग ओवर हेड सर कितना है सेलिंग ओवर रेड एक बार चेक करो सर जी सेलिंग ओवर एड है टेन परसेंट ऑफ सी ओजीएस 10 of COGS. और सजी आपका जो सीओजीएस है वो नाइनटी थाउजेंड है सर प्लीज, प्लीज, प्लीज. ये क्या आएगा is it cost of sales आएगा सर, टेंशन मत लो आगे सारे क्वेश्चन आप ही करने वाले हो सर तो मैं आपको इनफ टाइम दूंगा लिखने के लिए खुद को डेवलप करने के लिए सर कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इट 99,000 नाइन थाउजेंड आया एड प्रॉफिट बाय द वे प्रॉफिट कितना दिया है सर वन सिक्स इज इक्विवेलेंट टू वन फिफ्थ ऑफ कॉस्ट लिखेंगे वो टेबल भी लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाइड बाई नाइनटीन नाइन थाउजेंड कितना आंसर आया सर नहीं नहीं ये कितना नाइनटीन थाउजेंड ओकेज नाइनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड तो फ्रेंड्स आपका जो सेल्स आया वो कितना है वन लैख एटीन थाउजेंड वन लैख एटीन थाउजेंड एट हंड्रेड यस सर राइट अच्छा ये प्रॉफिट था नाइनटीन एट हंड्रेड एंड एटीन फोर एटी कितने लोगों का आंसर बराबर आया था सर ठीक है अब आप ही देखेंगे सर इससे ज्यादा अभी सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देंगे स्टूडेंट लोग ठीक है अब कहां पर गलती किया बिंदास बताइए सर मुझे बिंदास बताइए सर गलती कहां कहां पर किया यस सर बताइए आपने कहां पे गलती किया प्रॉफिट पंद्रह हजार कैसे आया कौन से स्टेप में गलती हुआ बताइए यस सर क्या गलती हुआ क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना था तो आपने ऐड करे सब लोग सुनो मैं जानबूझ के बता दो गलती कहां कहां पे होता है तो सर जी क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दिया इन्होंने लेस करना चाहिए था ठीक है एक पॉइंट और क्या गलती हुआ मैम प्रॉफिट वहां तक बराबर था नाइनटी नाइन थाउजेंड तक बराबर था तो यानी वन सिक्स और वन फिफ्थ में गड़बड़ किया फिर अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे लिया नहीं मैम टोटल कॉस्ट पे लेना चाहिए टोटल कॉस्ट है आपका 99000 क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी तो कॉस्ट है आपका तो टोटल कॉस्ट 99000 है ओके और क्या गलती हुआ यस सर सेलिंग ओवरहेड ऐड नहीं यानी वो पूरा लाइन रह गया ओके यानी ये मिस्टेक uh, नहीं बोलते आएगा ये थोड़ा सा यानी स्किप हो गया और क्या गलती हुआ यस yes, सर अच्छा प्रोडक्शन के कॉस्ट पे प्रॉफिट आया लेकिन समझा क्या सर एक मिनट हाँ अच्छा क्वेश्चन रेज किया प्रोडक्शन के कॉस्ट पे प्रॉफिट लिया तो प्रॉब्लम क्या होगा सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ये रिकवरी नहीं होगा अगर प्रोडक्शन के कॉस्ट पे ही आपने डायरेक्टली प्रॉफिट ले लिया ठीक है तो नीचे वो जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर है या एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू सेल है वो तो रिकवरी नहीं होगा ना सर तो आपकी टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन वाली नहीं है आपकी टोटल कॉस्ट कौन सी है कॉस्ट ऑफ सेल्स वाली है टोटल कॉस्ट कौन सी कौन सी सर प्रोडक्शन वाली या सेल वाली कॉस्ट से सर ये नीचे वाली कॉस्ट ऑफ सेल ये आपकी टोटल कॉस्ट रहती है क्योंकि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट भाई एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या क्या आता है मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस सर जी उसके बाद डायरेक्ट आ गया प्राइम कॉस्ट ओवरहेड आ गए ओवरहेड तीन कैटेगरी के सर ओवरहेड में कौन सा तीन कैटेगरी फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग तो सेलिंग भी आपकी कॉस्ट है ना तो टोटल कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स रहता है और कुछ आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो बताइए प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया देखो प्रॉफिट कितना दिया है सर आपको यानी on दिया है ट कॉस्ट पे लेते हैं तो बीस का ऑन कॉस्ट लेते हैं तो कॉस्ट आपकी कितनी आई है नाइनटी नाइन थाउजेंड नाइन्टी नाइन थाउजेंड का बीस का ठीक है वो लिखेंगे हम लोग डोंट वरी वो जो मैंने बताया था ये हम लोग लिखने वाले हैं अब कंप्लीट करो सर सिर्फ 20 परसेंट स्टूडेंट ने आंसर दिया था अगले क्वेश्चन का आंसर मिनिमम 50 परसेंट स्टूडेंट देंगे देखते हैं सर आपको चैलेंज देता हूं 50 परसेंट स्टूडेंट ने एटलीस्ट अगले क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए जिनका बाकी ये जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा सर जिनका हो गया है ना वो प्रॉफिट वाले लिखो सर प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स आई थॉट आपको ये बेसिक पता था इसलिए मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया उस पर ठीक है आप लिख लीजिएगा ये भी सर एक अच्छे से एक बॉक्स बनाइएगा और ये बॉक्स में लिखो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स एंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट अच्छे से बॉक्स करके लिखिएगा ये सर yes, उसका एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वन टू वन थ्री वन टू वन फोर एक्सेट्रा क्या है टेंशन मतलब बता देता हूँ वो भी बताऊंगा एक दो तीन लाइन लिखा तो भी सफिशियंट है वो सेम ही आता है सर अगर मैंने आपको बोला वन से तो कॉस्ट का कितना आएगा वन बाय टेन ऑफ सेल से तो कॉस्ट का वन बाय नाइन आएगा वन बाय फिफ्टीन ऑफ सेल से तो वन बाय एक एक आपको डिजिट कम करना है कॉस्ट पे अब ये कैसे अप्लाई होता है सर आई नो आपको आता है लेकिन कुछ स्टूडेंट को दिक्कत जा रही है इसमें तो वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं ध्यान दो यहां पर सर सब लोग ध्यान दो कॉस्ट है आपका हंड्रेड प्रॉफिट है सपोज आपका कॉस्ट पे बीस टक का इज इट बीस रुपए का प्रॉफिट आएगा तो सर जी सेल्स कितना आया सेल्स इज इट एक सौ बीस रुपए आया अरे सर समझ लो सब लोग ये हाँ कॉस्ट सौ रुपए है बीस तक का प्रॉफिट है कॉस्ट पे तो बीस रुपए का प्रॉफिट आया सेलिंग प्राइस एक सौ बीस आया तो सर जी ये बताइए प्रॉफिट अपॉन सेल्स कितना आएगा अरे प्रॉफिट अपॉन सेल 20 डिवाइडेड बाय 120 ट्वेंटी इज इट वन बाय सिक्स आया और सर जी ट्वेंटी डिवाइडेड बाय हंड्रेड इज इट वन बाय है yes. तो वो प्रोपोर्शन चलते रहता है सर सेल्स का वन सिक्स कॉस्ट का वन फिफ्थ सेल्स का वन बाय फाइव कॉस्ट का वन बाय फोर एंड सो ऑन तो एक एक डिजिट कॉस्ट का कम करते जाना है आई होप आपको ये समझा है अगर समझा है तो सर आपको अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएगा थोड़ा सा ज्यादा नहीं पिछला क्वेश्चन 20 टू 25 स्टूडेंट ने सॉल्व किया था करेक्ट अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं 50 परसेंट से ज्यादा स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर देंगे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट मटेरियल चार लाख लेबर है एक्सपेंसेस है फैक्ट्री ओवरहेड है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रुपीज वन फिफ्टी पर टेन यूनिट प्रोड्यूस सर yeah. एक सौ पचास रुपए दस यूनिट के लिए है ये प्रोडक्शन रिलेटेड है या सेल्स रिलेटेड है अरे आंसर नहीं आ रहा इधर से आंसर नहीं आ रहा है प्रोडक्शन रिलेटेड या सेल्स रिलेटेड है, है? क्यों पर टेन यूनिट प्रोड्यूस है या पर टेन यूनिट सोल्ड है प्रोड्यूस है yeah. यानी किसके रिलेटेड है प्रोडक्शन ओके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रुपीज फाइव हंड्रेड पर हंड्रेड यूनिट सोल्ड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट हंड्रेड एट एटी फाइव पॉइंट फाइव पर यूनिट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स चार सौ क्वांटिटी प्रॉफिट वन बाय सिक्स ऑफ सेल सर वन सिक्स ऑफ सेल इक्वेल टू अरे अभी तो डिस्कस किया सेल्स का ज्यादा रहता है कॉस्ट का एक डिजिट कम रहता है वन सिक्स ऑफ सेल है तो कॉस्ट का वन बाई फाइव आएगा सेल्स क्वांटिटी सोलह हजार चार सौ यूनिट सेल्स क्वांटिटी सोलह हजार चार सौ यूनिट पहले ही बता देता हूं स्टूडेंट गलती कहां पे करने वाला है स्टूडेंट गलती करने वाला है क्लोजिंग स्टॉक में संभाल लेना क्लोजिंग स्टॉक बाकी आपको आ जाएगा सर एग्जैक्टली exactly आपको मैं दे रहा हूं छह मिनट सिक्स मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आपका टाइम स्टार्ट हो गया आंसर पता नहीं मैम सब लोगों को ट्राई करने दो फिर डिस्कस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हमने क्या लिखा है तीसरा एडजस्टमेंट पढ़ो तो आपको कोई मिस्टेक नहीं होएगा क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करना रहता है प्रोडक्शन की कॉस्ट अपॉन प्रोडक्शन की क्वांटिटी इनटू क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी करो करो ट्राई करो सर आना चाहिए सर गलत हुआ तो भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना दिया है सर नहीं नहीं दिया कितना है एक सौ रुपए दिया ना लेकिन 150 सौ पचास दस यूनिट के लिए दिया है ना सर जी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एक सौ दिया है लेकिन 150 क्या दस यूनिट आपने दस यूनिट प्रोड्यूस किया क्या आपने दस यूनिट प्रोड्यूस किया क्या नहीं वर्किंग नोट नंबर टू सर मैंने बोल के रखा है सर वो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वर्किंग नोट नंबर टू क्या था वहां पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोडक्शन की क्वांटिटी कैलकुलेट करो सेल्स एड क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू प्रोडक्शन एक बार प्रोडक्शन आ जाएगा ये कैलकुलेशन करते आ जाएगा मैंने जो इंपॉर्टेंट लिखा है पूरा कॉस्टशीट वही उस पर घूमेगा सर मटेरियल कंज्यूम प्रोडक्शन की क्वांटिटी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इसके बाहर कुछ भी नहीं है कॉस्टशीट में हाँ सर देखते है, देखते है, देखते है। अच्छा आंसर दे रहे हो क्या प्रॉफिट दे, दे रहे हो या सेल्स दे रहे हो फाइनल आंसर मुझे आप अभी सेल्स का फिगर बताएंगे सर सेल्स का फिगर जिन जिन लोगों का आंसर आ गया है सेल्स का फिगर बताइए hmm, सर मच्छी मार्केट हो गया कुछ भी नहीं समझा वन थ्री नाइन सेवन टू एट जीरो जिनको ऑफिस ओवरहेड में दिक्कत है प्रोडक्शन की क्वांटिटी पहले कैलकुलेट करो थर्टीन लैक्स सिक्सटी सिक्सटी फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड ओके सेल्स से ओके okay, बराबर है यानी सेल्स से ओके okay. कितना है सर पहले वाला आंसर है वन थ्री नाइन फोर एट एट जीरो ओके नहीं डायरेक्ट सेल्स की फिगर चाहिए हमें फाइनल आंसर सेल्स थर्टीन लैक्स थर्टीन लैख टेन थाउजेंड छ सौ पचास सर ये 1397280 कितने लोगों का आंसर आया 1397280 बहुत लोगों का आंसर आया था ये 1397280 चलो ठीक है और आपको टाइम दे रहा हूं जल्दी से कंप्लीट करो सर इंपॉर्टेंट पॉइंट वन टू थ्री फोर जो जो इंपॉर्टेंट लिखा है उस पर ही ये पूरा क्वेश्ची है सर कितना है सर ओके okay, करो 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 आना चाहिए आंसर यस सर फर्स्ट वन ओके यस मैम फर्स्ट वन ओके लास्ट वन मिनट देन आई एम गोइंग टू सॉल्व एक सेकेंड सर थर्टीन लाख नाइन्टी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एटी ठीक है सिक्सटीन लाख एटी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड एटी सेल्स की फिगर बता रहे हो बाकी सब लोगों का तेरह लाख आ रहा है आपका सिक्सटीन लैख्स आ रहा है अच्छा तीन नंबर का दो बार आ गया ओके चले लास्ट हाफ मिनट लास्ट हाफ मिनट लास्ट हाफ मिनट गलत हुआ तो भी चलेगा सर कोई प्रॉब्लम नहीं है आप ट्राई कीजिए गलती कहां कहा पे हो रहा है वही आइडेंटिफाई करना है आज हमें चलिए नहीं नहीं सेल्स बताइए सर सेल्स कितना है बॉस नहीं नहीं फाइनल सेल्स प्रॉफिट एड करके फिगर कितना आया ट्वेल्व नाइनटी एट एट एटी सर मैं आपको बता दू यस yes, मैम टीन नाइनटी सेवन टू यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा लोगों का है सर मैं बता दू कुछ स्टूडेंट ने गलती कहां पे किया रहेगा कुछ स्टूडेंट ने क्लोजिंग स्टॉक को मल्टीप्लाई कर दिया चलेगा क्या अरे कुछ स्टूडेंट ने क्लोजिंग स्टॉक को मल्टीप्लाई कर दिया 85.5 अरे क्यों नहीं चलेगा 85.5 ये जो 85.5 किसकी कॉस्ट है ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट है यानी पिछले साल की कॉस्ट है पिछले साल के कॉस्ट की करंट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक का कोई संबंध नहीं है तो एक गलती किया मैंने दो तीन नोटबुक में चेक किया तो यहां पे एक गलती ऐसे किया हुआ है चले टाइम अप टेंशन ना लो देखते हैं सबसे पहला लाइन आपने लिखा सर डायरेक्ट मटेरियल। सर कितना लिखो डायरेक्ट मटेरियल अरे सर बताइए आंसर दो अभी सर डायरेक्ट मटेरियल है फोर लैक्स चलो सी। सर जी डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट दिया है या कुछ परसेंटेज दिया है फोर्टी परसेंट तो सर जी फोर्टी परसेंट मल्टीप्लाइड बाय फोर लैक्स अरे कितना आंसर आया सर इजी वन लैख सिक्सटी थाउजेंड ठीक है सर डायरेक्ट लेबर के बाद अगला एक्सपेंसेस है डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर कितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं नहीं कितना परसेंट दिया हुआ है सर फिफ्टी परसेंट ऑफ लेबर कॉस्ट तो फिफ्टी परसेंट ऑफ लेबर कॉस्ट आपका जो लेबर कॉस्ट है वो वन लाख सिक्सटी थाउजेंड है एक लाख साठ हजार का पचास टका इट एटी थाउजेंड आया सर ये आ गया आपका प्राइम कॉस्ट कितना है सर प्राइम कॉस्ट यहां तक तो गलती नहीं होनी चाहिए सर सेवन लाख या सिक्स लैख्स सिक्स लैख यहां तक बराबर है सब लोगों का ठीक है सर प्राइम कॉस्ट में ऐड करूंगा फैक्ट्री ओवर बाय द वे फैक्ट्री ओवर की फिगर कितनी है सर जी ट्वेंटी अरे कितना है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट है आपका छह लाख चालीस हजार छह लाख चालीस हजार का पच्चीस कितना आता है एक लाख साठ हजार सर यहाँ पे नेट फैक्ट्री कॉस्ट लिख सकता हूं क्या अरे हा या ना yeah. या वर्क्स कॉस्ट लिख सकता हूं मैं सर कितना है इज इट एट लैक्स 99 नाइन परसेंट स्टूडेंट का मैं जितना नोटबुक चेक किया सब लोगों का ये आठ लाख तक आई गया था मैक्सिमम स्टूडेंट का ये आठ लाख तक कोई प्रॉब्लम नहीं था अच्छा नेट फैक्ट्री कॉस्ट में सर जी आगे क्या ऐड करना है सर इट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर सर यहां पे कुछ लोग अटक गए सर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर का फिगर कितना दिया हुआ है सर एक सौ रुपए दिया है लेकिन कितने यूनिट्स के लिए है दस तो कुछ लोगों ने डेढ़ हजार लिखा है कुछ लोगों ने आंसर डेढ़ हजार लिखा है बिल्कुल गलत है डेढ़ हजार दस यूनिट का 150 कॉस्ट है सर जी पहले तो ये बताइए आपने प्रोडक्शन कितना किया सर आपने प्रोडक्शन कितना किया सर बताइए सेल्स क्वांटिटी कितना लिखू 16,400 थाउजेंड फोर हंड्रेड एड क्लोजिंग स्टॉक सर जी क्लोजिंग स्टॉक कितना है चार सौ या आठ सौ है चार सो माइनस ओपनिंग स्टॉक सर जी ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका इज इट आठ तो आपने प्रोडक्शन कितना किया अरे प्रोडक्शन कितना हुआ सिक्सटीन थाउजेंड का प्रोडक्शन हुआ सर यहां ध्यान दो बाद में लिखो एक सौ पचास रुपए का कॉस्ट दस यूनिट के लिए लगता है तो सोलह हजार यूनिट के लिए कितना कॉस्ट लगेगा सर जी सिक्सटीन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय वन फिफ्टी अपॉन टेन सर बताइएगा कितना आपका आंसर आया सर शाबाश टू लैख फोर्टी टी थाउजेंड ओके सर ये ऑफिस ओवर एड कर दिया तो ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर जी कितना है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टेन लैख कितने लोग यहां तक बराबर थे वेरी गुड वेरी गुड ऑलमोस्ट फिफ्टी नाइनटी परसेंट स्टूडेंट यहां तक बराबर थे ग्रेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एड क्या करूं सर अभी जल्दी बताइए सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एड करना है इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था क्योंकि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है सर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है 800 सौ इंटू ओके 800 हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई सर कितना आंसर आया 60 68,400 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड सर 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 कुछ लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक जो 400 था उसको 85.5 से मल्टीप्लाई कर दिया क्यों नहीं चलेगा सर पिछले साल की कॉस्ट करंट ईयर में थोड़ी एप्लीकेबल है अब आप बताइए सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आती कैसे है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वन लैख या टेन लैख 10 लाख 40000 डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन के यूनिट कितने हैं 16000 क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट कितने हैं 400 कितना आंसर सो so, 26000 आपका यहां पे आंसर आ गया ओके okay. सर ये क्या आएगा सीओजीएस आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया सर 10 लाख 82000 400 ओके ये सीओजीएस आया सर जी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में बस ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या दिया हुआ है अरे कितना दिया है पांच सौ रुपए लगता है लेकिन कितने यूनिट के लिए तो सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिखा हुआ है प्रोडक्शन के लिए लगता है या सेल्स के लिए लगता है ओके 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 सर याद ध्यान दो कितना बोला है कितना कॉस्ट लगता है पांच सौ रुपए पांच सौ रुपए कितने यूनिट के लिए लगता है हंड्रेड तो सर सोलह हजार लू या सोलह हजार चार सौ लू अरे जो बेचेंगे उसके लिए लगेगा ना लिखवा के दिया है आपको ये सारे पॉइंट बताइए आंसर कितना आया एग्जैक्टली 82000 टू थाउजेंड आया, exactly आया? हाँ। तो ये आ गया सर जी आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स सर जी बताइएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है इलेवन लाख. एड करना है मैंने लेस कर दिया भाई हाँ इलेवन लैक सिक्सटी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड इसमें एड कर दिया जी मैंने प्रॉफिट सर जी प्रॉफिट कितना है वन सिक्स ऑन सेल से तो वन फिफ्थ ऑन कॉस्ट है सर वन बाय फाइव दट इज ट्वेंटी परसेंट वन वन सिक्स फोर फोर डबल जीरो कितना आंसर है एट हंड्रेड एंड एटी एंड फाइनली सर जी सेल्स आंसर कितना है थर्टीन लैख नाइंटी नाइंटी सेवन टू एटी मैक्सिमम स्टूडेंट ने यही आंसर दिया था थर्टीन लैख नाइंटी सेवन थाउजेंड टू एटी जिनका नहीं आया मत टेंशन लो वैल्यू एडिशन हो रहा है कुछ हमें ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या लगा सर क्या अलग था पिछले क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन में बताइए सर एक एडमिनिस्ट्रेशन में अटक गए बराबर है एडमिनिस्ट्रेशन किस पर डिपेंडेंट था प्रोडक्शन पे तो उसके लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ा प्रोडक्शन का क्वांटिटी तो प्रोडक्शन के बेसिस पे वर्कआउट किया अभी भी अगर डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लेना डाउन so, right जिनका बाकी है प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा वर्किंग <laughs> नोट दो प्रोडक्शन के क्वांटिटी का वर्किंग नोट दो मार्क्स कट होएगा अगर आपको 80-90 क्रॉस करना है तो वर्किंग नोट शुड बी पार्ट ऑफ योर एंसर्स डायरेक्ट आंसर नहीं चलेगा तो वर्किंग नोट दो प्रोडक्शन क्वांटिटी सर uh, जबी भी आप रिविज रिवाइज करेंगे ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन में सिर्फ दो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था सर एक एडजस्टमेंट था एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का और दूसरा एडजस्टमेंट था सेलिंग ओवर का एडमिनिस्ट्रेशन ओवर के लिए प्रोडक्शन लगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेल्स क्वांटिटी लगा काफी लोगों ने आंसर करेक्ट दिया वेरी गुड वर्किंग नोट दिया प्रोडक्शन क्वांटिटी सिक्सटीन थाउजेंड यह आपका प्रोडक्शन क्वांटिटी सर ऑलमोस्ट सिक्सटी परसेंट स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया था ये क्वेश्चन का अब थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ते जाएगा अब कुछ और एडजस्टमेंट के साथ लेट्स वर्कआउट थर्ड क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट करो जिनका बाकी है ठीक है आई होप सब लोगों का लिख के हो गया है कुछ और एडजस्टमेंट के साथ कुछ नए एडजस्टमेंट के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी लिखो मैम जिनका बाकी है चलिए सर ले आओ लेट्स डिस्कस लेट्स रीड दैट थर्ड क्वेश्चन सर अब सेवेंटी टू एटी परसेंट स्टूडेंट का करेक्ट आंसर आना चाहिए लेट्स सी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट मटेरियल कॉस्ट तेरह पर यूनिट सर पिछले दोनों क्वेश्चन में ना मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट अमाउंट टर्म्स में दिया था चालीस हजार या समथिंग चार लाख सर यहां पे मटेरियल का कॉस्ट कितना दिया हुआ है दिया। अरे तेरह पर यूनिट इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो सर ये मटेरियल कॉस्ट को मल्टीप्लाई किससे करूंगा सेल्स क्वांटिटी या प्रोडक्शन क्वांटिटी मतलब ये हुआ आपको प्रोडक्शन का वर्किंग नोट देना पड़ेगा नेक्स्ट वन लेबर कॉस्ट कितना दिया है 7.5 पर यूनिट इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे प्रोडक्शन क्वांटिटी ओके ओके फैक्ट्री ओवरहेड हेड साठ टक्का ऑफ लेबर कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हेड बीस टक्का ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट सेलिंग ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हेड बीस टक्का ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट किसके रिलेटेड है प्रोडक्शन के रिलेटेड है या सेल्स के रिलेटेड है अरे फैक्ट्री के रिलेटेड है ना प्रोडक्शन रिलेटेड है वेरी गुड सेलिंग ओवरहेड हेड टू पॉइंट फाइव पर यूनिट सोल्ड ओके ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 500 यूनिट एट 19.75, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 250 यूनिट सेल्स 10,250 यूनिट से प्रॉफिट तक का ऑन सेल्स है सर तक का ऑन सेल्स कॉस्ट पे कितना आएगा तक का, 30 नहीं तक का आएगा सर 1 बाय फाइव वन बाय सर मुझे लगता है आप में से 80 टू 90 परसेंट स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर दे देंगे दे दे अभी मुझे लगता है ऐसे लेट्स सी लेट्स ट्राई आपको वापस से कुछ टाइम दे रहा हूं खुद से वर्कआउट करने के लिए जी सर सबसे पहला वर्किंग नोट आएगा आपका प्रोडक्शन क्वांटिटी सबसे पहला वर्किंग नोट आएगा प्रोडक्शन क्वांटिटी कॉस्टशीट बनाने से पहले प्रोडक्शन क्वांटिटी बनाइएगा कॉस्टशीट बनाने से पहले प्रोडक्शन क्वांटिटी बनाइएगा सेल्स एड क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू प्रोडक्शन जल्दी करो de la producción कुछ लोग आंसर देना चाहते हैं तो उनके लिए दो मिनट रे भाई मुझे है आपको आ रहा है सर हर टॉपिक में ऐसा ही रहेगा टेंशन मत लो जबरदस्त होएगा आपका ओके वन बाय वन आंसर सर जी आप मुझे बताइएगा सेल्स कितना आया कुछ लोग आंसर दे रहे है? चार लाख दस हजार कुछ लोग आंसर दे रहे चार लाख दस हजार का सेल्स है एनी अदर आंसर यस सर चार लाख दस हजार यस सर चार लाख दस हजार यस सर चार लाख दस हजार करो 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 ट्राई करो आएगा फोर लाख टेन थाउजेंड फोर लाख टेन थाउजेंड फोर लाख टेन थाउजेंड फोर लाख टेन थाउजेंड गुड फोर लाख टेन थाउजेंड आएगा एटी टू नाइन्टी परसेंट स्टूडेंट का आएगा आंसर बाकी लोग टेंशन मत लो करते रहो वर्किंग नोट शुड बी फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। वर्किंग नोट क्लियरली देना फोर लैख टेन थाउजेंड फोर लैख टेन थाउजेंड फोर लैख टेन थाउजेंड वही है फोर टेन मैडम फोर लैख टेन थाउजेंड वाह यस मैम कहाँ पे डाउट है कुछ कितना है आ गया गुड फोर लैख टेन थाउजेंड आ गया अरे वाह सर नाइन्टी परसेंट से ज़्यादा स्टूडेंट का आना चाहिए आंसर फोर लैख टेन थाउजेंड ओके आ गया वेरी गुड फोर लैख टेन थाउजेंड गुड फोर लाख टेन थाउजेंड लेकिन ये बराबर है क्या इतना लोग सब आंसर दे रहे हैं <laughs> नहीं तो सब लोग यस मैम फोर लाख टेन थाउजेंड ओकेज फोर लाख टेन थाउजेंड मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर आ गया फोर लाख टेन थाउजेंड फोर लाख टेन थाउजेंड चलेगा सर लेट्स डिस्कस सर सबसे पहला वर्किंग नोट क्या दिया सर सबसे पहला वर्किंग नोट क्या दिया आपने इज इट प्रोडक्शन क्वांटिटी मुझे हर एक के नोट्स में ये वर्किंग नोट चाहिए अगर आपको 80 प्लस करना है 90 प्लस क्रॉस करना है तो सर वर्किंग नोट शुड बी फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। सिक्सटी सेवेंटी के रेंज में ही खेलना है कॉस्टिंग में तो सर आपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दिया तो भी चलेगा अगर आपको 80 प्लस 90 प्लस स्कोर करना है आउट ऑफ स्कोर करना है तो हर एक वर्किंग नोट को इंपॉर्टेंस है जो कैलकुलेशन आप ओवरली करते हो वो आपको दिखाना पड़ेगा आपके वर्किंग नोट्स में ठीक है सर जी प्रोडक्शन बताइए सेल्स क्वांटिटी कितना है अरे बोलो बोलो टेन टू फाइव जीरो ओके ये आ गया आपका सेल्स क्वांटिटी एड क्लोजिंग स्टॉक 250 का आ गया क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना पांच सौ का है ओपनिंग स्टॉक देर फॉर प्रोडक्शन सर जी कितना दस हजार का है प्रोडक्शन अरे हाया ना सर ये चीटिंग है आपको आ रहा है तो आप अब मुझे भाव नहीं दे रहे <laughs> आपको आ रहे ना हाँ चल कौन दर्शन चल ठीक है अपने को आ रहा है बस अपना काम हो गया प्लीज़ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आंसर दो सर ओके सर सबसे पहले आपने स्टार्ट किया मटेरियल की कॉस्ट सर कितना लिखो डायरेक्ट मटेरियल चलो चलो आंसर दो चलो आपका हो गया आंसर देते रहो सर इज इट दस हजार मल्टीप्लाई बाय थर्टीन रुपीज आया yes, तो आपका आंसर आ गया वन लैख थर्टी थाउजेंड ओके डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर अरे सर कितनी क्वांटिटी है दस हजार मल्टीप्लाइड बाय सेवन पॉइंट फाइव है क्या सेवन पॉइंट फाइव है तो कितना आ गया आपका आंसर सेवेंटी फाइव थाउजेंड आया चलो इसके बाद आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है ओ नहीं है चलो ठीक है तो डायरेक्टली आपका बन गया ये प्राइम कॉस्ट सर कितना है फोर कितना बोला आपने वन टू लैख टू लैख फाइव थाउजेंड का प्राइम कॉस्ट आया इसमें आपने एड किया सर फैक्ट्री ओवर फैक्ट्री ओवर कितना है अरे फैक्ट्री ओवर साठ परसेंट ऑफ लेबर तो सर जी सिक्सटी परसेंट मल्टीप्लाइड बाई सेवेंटी फाइव थाउजेंड कितना है सर अरे उजेंड ओके नेक्स्ट केस में सर ये क्या आया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट लिखो या नेट फैक्ट्री कॉस्ट लिखो ओपनिंग डब्ल्यू क्लोजिंग ए नहीं दिया है तो ये आगे आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट नेट फैक्ट्री कॉस्ट सर कितना लिखो 2 लैक्स फिफ्टी थाउजेंड चलो नेट फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड किया सर जी हमने एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड टू प्रोडक्शन है सर कितना एडमिनिस्ट्रेशन हो है ट्वेंटी परसेंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट तो सर जी ट्वेंटी परसेंट मल्टीप्लाइड बाय टू लैख फिफ्टी थाउजेंड कितना आंसर है पचास हजार क्या लिखू सर यहाँ पे अरे बोलो जल्दी अली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया आपका तीन लाख चलो आगे बताइए सर इसमें क्या ऐड करूं ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स सर इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं रहता ये दिया रहता है पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक आएगा कितना है सर वो 500 हंड्रेड इंटू नाइनटीन पॉइंट सेवेंटी फाइव फाइव हंड्रेड इंटू नाइनटीन पॉइंट सेवेंटी फाइव कितना आया नाइन एट सेवन फाइव सर जी माइनस क्लोजिंग स्टॉक इसमें गलती नहीं होनी चाहिए थी सर क्लोजिंग स्टॉक कैसे आया प्रोडक्शन की कॉस्ट तीन लाख डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन की क्वांटिटी दस हजार क्लोजिंग स्टॉक कितना है टू फिफ्टी क्या कितना आया वैल्यू हेवन सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके सीओजीएस कितना आया अरे दोरे आंसर भाई थ्री जीरो टू थ्री सेवन फाइव कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आपने ऐड कर दिया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन किस पे लगता है प्रोडक्शन पे लगता है सेल पे लगता है सेल कितना रेट दिया था टू पॉइंट फाइव पर यूनिट सो टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड 25,625 दस हजार दो सो पचास एंसर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव ठीक है सर यह आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स थ्री लैख 28,000 सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर दिया आपने प्रॉफिट सर कितना परसेंट है प्रॉफिट? कॉस्ट है ओके कितना आया? एटी थाउजेंड तो ये आ गया आपका सेल्स इज इट फोर लैक्स टेन थाउजेंड आ गया आपका सेल्स सो हाँ, टॉफी वाला अरे ये इतने सिंपल क्वेश्चन में किधर है अभी तो ये स्टार्ट हुआ है डिफिकल्ट क्वेश्चन में देखेंगे ना कॉन्टेस्ट हो गया ये डाउट है तो बिंदास पूछ सकते हैं सर कोई पॉइंट अगर नहीं समझे तो इमीडिएटली पूछ सकते हैं अगर डाउट नहीं है तो सर आपको सिर्फ एक क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है सर सर ध्यान दो होमवर्क के लिए मैं बहुत सीरियस हूं होमवर्क नहीं किया तो आपको गाना गाना पड़ेगा कल तो सर क्वेश्चन नंबर फोर मैं सुन लूंगा भाई क्वेश्चन नंबर फोर है एक ही पॉइंट में आपको डाउट आ सकता है ठीक है और वो एक पॉइंट है वर्क इन प्रोग्रेस एक ही पॉइंट में डाउट आने वाला है सर आपको ये क्वेश्चन में दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस सर ऐसे वर्किंग प्रोग्रेस के नीचे क्या दिया है देखो मटेरियल वेजेस वर्क ओवर सर ये नहीं समझा मुझे एक सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं देखते कितना लोग लॉजिक लगा पाते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का स्टॉक दिया है डब्ल्यू का स्टॉक दिया है फिनिश गुड्स का स्टॉक दिया है सर आपको टेंशन नहीं लेना है यहां पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी गई है क्या हाँ अरे हाँ कुछ लोग हाँ बोल रहे अरे यार 1600 यूनिट दिए है प्रोडक्शन की कॉस्ट अपॉन प्रोडक्शन की क्वांटिटी इनटू क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी तो फिनिश गुड्स का स्टॉक आएगा सर बी पॉइंट क्या है पढ़ो तो अरे बी पॉइंट पढ़ो क्या है परचेसेस ऑफ मटेरियल सर मतलब क्या हुआ हम लोग मटेरियल परचेस लेते हैं या मटेरियल कंज्यूम लेते हैं अरे परचेस लेते या कंज्यूम लेते कंज्यूम कंजम्पशन का एडजस्टमेंट क्या है परचेसेस एड क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अरे हाँ है ना इज इक्वल टू कंजम्पशन वो एक वर्किंग नोट देंगे वेजेस है फैक्ट्री ओवरहेड कैसे लेना है साठ टक्का ऑफ लेबर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सर बारह रुपए पर यूनिट प्रोड्यूस्ड प्रोडक्शन रिलेटेड है या सेल्स रिलेटेड है प्रोडक्शन रिलेटेड है, सेलिंग ओवर हेड ट्वेंटी परसेंट ऑन सेल्स ट्वेंटी परसेंट ऑन यूनिट, टेन परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट है सर जी खतरनाक क्वेश्चन है यहां पे आपको सेल्स नहीं दिया हुआ है और सर जी सेलिंग ओवर हेड बीस टक्का ऑफ सेल्स पे है छोटा सा हिंट दूंगा सेलिंग प्राइस एक्स एज्यूम करके आंसर लाना पड़ेगा क्या सेलिंग प्राइस एक्स एज्यूम करके आंसर लाना पड़ेगा देखते हैं और सर जाते जाते ये तो बताते जाइएगा वर्क इन प्रोग्रेस का क्या करेंगे ये देखो ना ये मटेरियल दिया है लेबर दिया हुआ है ओवर दिया है ये समझा नहीं है कुछ लोग क्या करेंगे पता है क्या मटेरियल को मटेरियल में ऐड करेंगे लेबर को लेबर में ऐड करेंगे ओवर को ओवर में ऐड करेंगे नहीं सर क्या डब्ल्यू आईपी क्या करेंगे सर कुछ नहीं ये तीनों का टोटल डब्ल्यू आई पी है ये तीनों का टोटल डब्ल्यू एक सेकंड ऐसा क्यों सर यहां पे ध्यान दीजिए सर यहां ध्यान दीजिए सब लोग लास्ट पॉइंट है देन विल स्टॉप सर यहाँ पे आपका वर्क इन प्रोग्रेस है बराबर है अरे हाया ना तो वर्क इन प्रोग्रेस में किसका किसका वैल्यू आता है इसके ऊपर वाले सारे आइटम का वैल्यू आता है अरे वर्क इन प्रोग्रेस नीचे तो उसके ऊपर जो जो कॉस्ट है उसकी सारी वैल्यू उसमें ऐड होती है तो ऊपर क्या क्या है मटेरियल है क्या अरे लेबर है क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या और फैक्ट्री ओवरहेड है क्या हाँ डब्ल्यू तो के जान बुझ्यूज करने के लिए ना ऐसे दिया, सेपरेट दिया, overhead सेपरेट दिया, हमें करना बस उसका addition है। देखते कितना लोग solve करके आते हैं। सर जी मटीरियल से करके आपको ये ये करना है। ये बस एक ही क्वेश्चन ट्राई करना अगला ट्राई करके मत आना सर नहीं तो कुछ लोग सब सॉल्व करके आ जाएंगे जोश जोश में ऐसा मत करो स्टेप बाय स्टेप करेंगे थैंक यू वेरी मच सी नेक्स्ट लेक्चर कल के लेक्चर में ओल्ड सिलेबस के दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन बाकी है इमीजिएटली विल स्टार्ट विद द न्यू फॉर्मेट ऑफ शीट एंड मे 2018, नवंबर 2018, मई 19, मे नवंबर 19 प्लस मॉक टेस्ट आरटीपी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है थैंक यू वेरी मच सी इन द नेक्स्ट लेक्चर